ठीक है, चालू करूँ? चालू तो आज हम एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हिपेटो बिलियरी सिस्टम। हिपेटो बिलियरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हिपेटो बिलियरी सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हिपेटो बिलियरी सिस्टम यानी कि एक सिस्टम जिसमें हिपेटो और बिलियरी, हिपेटो का मतलब होता है लीवर और बिलियरी का मतलब होता है बिलियरी ट्रैक। हिपेटो बिलियरी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लीवर इन्वॉल्व हो और लीवर से एक कंपोनेंट बनता है जिसे हम कहते हैं बाइल। तो बाइल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ट्रैक बना होता है जिसे हम कहते हैं बिलियरी ट्रैक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले हमें कुछ ऑर्गन्स के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आपके सामने डायग्राम है, उसमें जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, इसे हम कहते हैं लीवर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीवर। लीवर के बेस पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। उसके साथ साथ कुछ ये स्ट्रक्चर जो यहां पे प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे स्टमक, और स्टमक के साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। स्टमक जो है वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डियोडिनम, वहां पे जाके जॉइंट हो जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एब्डोमेन में लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो लीवर प्रेजेंट होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसी में से कुछ ट्रैक निकलता है, कुछ ट्रैक जो है वो निकलता है जिसे हम कहते हैं बिलियरी ट्रैक। तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहला हिपेटो का मतलब क्या होता है। तो हिपेटो का मतलब होता है लीवर, और बिलियरी सिस्टम का मतलब होता है बिलियरी ट्रैक, ऑर्गन और द डक्ट दैट कैरी एंड स्टोर बाइल। मतलब बाइल एक कंपोनेंट होता है जिसको कैरी करने का काम और जिसको स्टोर करने का काम कहां पे होता है, बिलियरी ट्रैक में होता है। तो बिलियरी ट्रैक में या फिर बिलियरी ट्री जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि ये हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि बिलियरी ट्रैक के बारे में बताया है। तो ये जो बड़ा ऑर्गन है इसे हम कहते हैं लीवर। लीवर जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो राइट साइड और एक तो होता है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से एक डक्ट निकलता है, कुछ ये डक्ट जो है ये राइट साइड से निकलता है जिसे हम कहते हैं राइट हिपेटिक डक्ट, और एक लेफ्ट साइड से डक निकलता है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक। दोनों डक जो है वो कॉमनली आके मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक। क्या कहेंगे, जो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक जो मिलते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक। उसके बाद एक छोटा सा ऑर्गन जो मैंने कहा था लीवर के नीचे रहता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में से भी कुछ डक निकलते हैं या कुछ कैनाल निकलते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक। क्या कहेंगे, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट
दोनों क्या करेंगे, दोनों जॉइंट हो जाएंगे और ये बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कहां पे जाके ओपन होगा, तो वो ओपन होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हम कह सकते हैं डियोडिनम। तो ये जो ट्रैक होता है या फिर ये जो ट्री होता है जो राइट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से स्टार्ट होता है और जाके खत्म होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डियोडिनम में, इसे हम कहते हैं बिलियरी ट्रैक या फिर बिलियरी ट्री, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है बाइल को लीवर से लेके डियोडिनम तक। तो सबसे पहला हिपेटो यानी कि लीवर हुआ और बिलियरी ट्रैक में आया कि जो ट्रैक्ट होता है राइट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों निकलते हैं जो कि जॉइंट होते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट में। गॉल ब्लैडर में से सिस्टिक डक्ट आता है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट जो जो दोनों जॉइंट होके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आके डियोडिनम में जुड़ जाता है या फिर मीट होता है। तो ये हो गया बिलियरी ट्री के बारे में या फिर बिलियरी ट्रैक के बारे में। अभी बाइल स्टोर करने का या फिर बाइल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो बिलियरी ट्रैक का होता है या फिर हम कह सकते हैं बिलियरी ट्री का होता है। लेकिन बाइल क्या होता है, तो बाइल एक टाइप का फ्लूइड होता है। क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि लीवर में बनता है और जो फैट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। मतलब बॉडी में अगर फैट होगा तो उसके डाइजेशन के लिए कोई कंपोनेंट जो हेल्प करता है तो वो होता है बाइल। तो बाइल इट इज अ फ्लूइड मेड बाय लीवर दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट एंड देन इट देन रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्टली ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। तो हमें यहां तक पता चला कि हिपेटो यानी कि लीवर क्या है, बिलियरी सिस्टम क्या होता है, बिलियरी सिस्टम में कौन कौन से ट्रैक आते हैं और बाइल जो है वो बाइल क्या होता है, ये भी चीज के बारे में हमें पता चला। अभी एक शॉर्ट में देखेंगे कि लीवर होता क्या है। तो लीवर बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसमें काफी सारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं बॉडी में वो रिलीज किया जाता है लीवर से। तो लीवर सबसे पहला तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1400 टू 1600 ग्राम्स इन मेल। मेल में 1400 से 1600 ग्राम होता है वेट और फीमेल्स में होता है 1200 से लेके 1400 ग्राम फीमेल में वेट होता है। इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो राइट लोब और एक तो लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर में बताया था आपको कि ये जो लीवर है तो लीवर में कुछ ये साइड का स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे राइट लोब और जो ये स्ट्रक्चर है कुछ इधर इतना सा पार्ट इसे हम कहेंगे लेफ्ट लोब। तो जो राइट लोब होता है लीवर का वो 6 times बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब के हिसाब से राइट लोब जो होता है वो 6 times बड़ा होता है। लोब्स आर सेपरेटेड एंटीरियरली बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। एंटीरियरली वो कैसे डिवाइड किया जाता है, तो एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इंफीरियरली लिगामेंटम टेरिस एंड पोस्टीरियरली बाय लिगामेंटम वेनोसम। तो ये जो डिविडेशन होता है लीवर का लेफ्ट और राइट लोब में तो कैसे होता है, तो लोब्स एंटीरियरली सेपरेट किया जाता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से, इंफीरियरली लिगामेंटम टेरिस और पोस्टीरियरली लिगामेंटम वेनोसम से वो क्या करता है डिवाइड किया जाता है लेफ्ट और राइट लोब में। अगर हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो लंग जो लीवर है, लीवर का जो पैरेन्काइमा है या फिर लीवर के जो टिश्यूज है वो कैसे बने होते हैं, तो वो काफी सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, लोब्यूल्स। तो ऐसे काफी सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो कुछ हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि जिसे हम कहेंगे लोब्यूल्स। ये इसका डायमीटर होगा अराउंड 0.5 से लेके 2 mm तक का डायमीटर होगा। एक एक लोब्यूल में अगर हम देखेंगे तो इसमें सेंट्रल में हिपेटिक वेन प्रेजेंट होता है।
जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे हिपेटिक वेन प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम कहेंगे हिपेटिक वेन, वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ पेरिफेरी में अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 ट्रायड होते हैं। ट्रायड यानी कि यहाँ पे 3 हम कह सकते हैं कैनाल मीट होते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक तो रेड कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो इस हिसाब से एक हेक्सागोन में कम से कम 4 से 5 ट्रायड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 4 से 5 ट्रायड में क्या होता है, तो ट्रायड मतलब 3 कैनाल आते हैं, उसमें से सबसे पहला होता है बाइल डक्ट, दूसरा होता है पोर्टल वेन और तीसरा होता है हिपेटिक आर्टरी। तो जो रेड में है वो है हिपेटिक आर्टरी, जो ब्लू में है वो पोर्टल वेन है और जो ग्रीन में है उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। तो ये लोब्यूल के पेरिफेरी में ट्रायड होते हैं जहां पे ये सब आके मीट होते हैं या फिर ये सब जो हम कह सकते हैं ब्लड सप्लाई करते हैं लीवर में लोब्यूल्स में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो लोब्यूल्स होते हैं, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं जो लोब्यूल्स होते हैं, वो डिवाइड किया जाता है 3 जोन में। अगर अंदर से बाहर की तरफ हम देखेंगे तो ये 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो लोब्यूल है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल में हिपेटिक वेन प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल वेन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ पेरिफेरी में ट्रायड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है, हिपेटिक आर्टरी प्रेजेंट होता है और पोर्टल वेन प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ साथ ये जो लोब्यूल है वो 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे अगर इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो इसमें जोन होते हैं, सबसे पहला पीच का जोन, उसके बाहर का जोन और सबसे बाहर का जोन, ऐसा 3 जोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड हो गया और ये अंदर का थर्ड जोन हो गया। तो 3 जोन में डिवाइड किया जाता है हिपेटिक लोब्यूल। जो सबसे पहला जोन होता है या सबसे बाहर का जोन होता है उसे हम कहते हैं पेरिपोर्टल लोब्यूल। क्या कहते हैं? पेरिपोर्टल लोब्यूल। तो ये क्या होता है, ये पोर्टल वेन से एकदम बाजू में होता है, पोर्टल वेन के साथ ही अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई काफी अच्छे से देखने को मिलता है। दूसरा जोन होता है मिड जोनल रीजन। क्या होता है? मिड जोनल रीजन, जो कि दोनों जो हम कह सकते हैं जोन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें काफी कम हमें मतलब पैथोलॉजिकल फीचर्स काफी कम देखने को मिलता है। और जोन 3 होता है सेंट्री लोब्यूलर एरिया, जिसे हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलर एरिया। ये सेंट्रल वेन के पेरिफेरी में ही प्रेजेंट होता है। तो ये किधर प्रेजेंट होता है? सेंट्रल वेन के पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलर एरिया। तो इस तरह से जो हिपेटिक लोब्यूल्स है वो 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। अभी हम देखेंगे तो लीवर जो है, लीवर को डबल ब्लड सप्लाई होता है, एक तो पोर्टल वेन से भी होता है और एक तो हिपेटिक आर्टरी से भी होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि लीवर में डबल ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि एक पोर्टल वेन से भी ब्लड सप्लाई होता है और एक हिपेटिक आर्टरी से भी ब्लड सप्लाई किया जाता है। अगर हम फंक्शन देखेंगे लीवर का, तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, तो लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल को मैन्युफैक्चर करना और उसका एक्सक्रीशन करना, ये काम लीवर का होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि बाइल क्या करता है, तो फैट को डिजॉल्व करने का काम करता है। तो बाइल होता क्या है, तो बाइल एक टाइप का एक्वस सॉल्यूशन है जो कि लीवर में बनाया जाता है और जिसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बाइल। तो बाइल क्या होता है, तो एक लिक्विड होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर में बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर प्रेजेंट होता है। इसको मैन्युफैक्चर करना और इसको एक्सक्रीट करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। दूसरा काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
तो काफी अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो प्रोटीन्स होते हैं इसको भी मैन्युफैक्चर करता है लीवर। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक केमिकल मतलब केमिस्ट्री लैब जैसा एक अपने बॉडी में ऑर्गन है वो है लीवर, तो उसके अंदर क्या होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज किया जाता है। उसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 एंड आयरन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और आयरन जो होते हैं उनको स्टोर करने का काम भी लीवर करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, काफी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर का होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल पीने ज्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से लीवर डैमेज होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, जितना नलीफाई लीवर कर पाता है उतना करता है, उसके बाद वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पांच फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है जो लीवर करता है। सबसे पहला मैन्युफैक्चर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 एंड आयरन, उसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो फंक्शन बिलियरी ट्रैक का फंक्शन क्या है या फिर बिलियरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो बिलियरी ट्रैक जो होता है वो क्या करता है, वो ड्रेन करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लीवर इनटू द डियोडिनम। तो जो बाइल ट्रैक है वो कहां से स्टार्ट होता है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आते आते डियोडिनम में अटैच होता है। तो ये काम क्या करता है, तो सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है लीवर का वो लेके आता है या फिर जो बाइल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। टू हेल्प इन डाइजेशन एंड विथ कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल, बाइल को रिलीज करने के लिए इसका काम किया जाता है। अब हम हिपेटो बिलियरी सिस्टम के बारे में तो हमने देखा है, सब पढ़ा हमने, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन कौन से डक्ट्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है। तो जो जॉन्डिस एक डिजीज होता है, वो डिजीज मोस्ट जो इन्वॉल्व उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो लीवर और बिलियरी ट्रैक होते हैं। तो जॉन्डिस जो डिजीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक लैंग्वेज में जॉन्डिस क्या होता है, तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है स्किन आय जो आय में स्क्लेरा होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है वो येल्लोइश हो जाता है, नेल्स येल्लोइश हो जाते हैं, यूरिन येल्लो होने लगता है। तो इसीलिए सभी जगह पे बॉडी में हमें येल्लो येल्लो कलर देखने मिलता है, इसीलिए हम इसे पीलिया नाम से भी जानते हैं। तो जॉन्डिस क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है इक्टेरस या फिर हाइपर बिलीरुबिनेमिया, यानी कि इसमें बिलीरुबिन जो कंपोनेंट होता है वो बढ़ जाने की वजह से, हाइपर यानी कि बिलीरुबिन बढ़ जाने की वजह से ये इन्वॉल्व होता, ये डिजीज डेवलप होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है, एक तो इक्टेरस और एक तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया। तो जॉन्डिस का डेफिनेशन क्या है, इट इज द येलोइश और ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड द स्क्लेरा ड्यू टू द हाई बिलीरुबिन लेवल। जो बिलीरुबिन होता है वो बढ़ जाने के वजह से क्या होता है, जो स्किन है, जो स्क्लेरा है वो येलोइश या ग्रीनिश दिखने लगते हैं। अभी बिलीरुबिन में दो बिलीरुबिन आते हैं, एक तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आता है, एक तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आता है। तो कोई भी बिलीरुबिन अगर बढ़ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, जॉन्डिस कहते हैं। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है जॉन्डिस का, तो इट इज द येलोइश और ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड द स्क्लेरा ड्यू टू द हाई बिलीरुबिन लेवल। बिलीरुबिन में दोनों हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो आंख हम देख रहे हैं स्क्लेरा में, ये कुछ येलोइश या ग्रीनिश तरह का दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो जो है उसे जॉन्डिस हुआ है पेशेंट को। तो मोस्टली स्क्लेरा से या फिर स्किन से, नेल से पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या नहीं। तो ये बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन कहाँ होता है, मतलब कैसे फॉर्म होता है बिलीरुबिन, इसके बारे में हम देखेंगे।
कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होते हैं और इसे डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज कि नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, नॉर्मली बिलिरुबिन कैसा मेटाबोलाइज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसमें चार पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं सोर्स, क्या क्या प्रोडक्ट से बिलिरुबिन बनता है। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिलिरुबिन। तीसरा आता है हिपेटिक फेज, यानी कि लीवर का इसमें क्या रोल होता है। और चौथा आता है इंटेस्टिनल फेज, यानी कि इंटेस्टाइन में इसका क्या रोल होता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन में क्या आता है, तो बिलिरुबिन कैसे बनता है। तो बिलिरुबिन सबसे पहला आरबीसी से बनता है, रेड ब्लड सेल्स। तो जब रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं 120 दिन के बाद, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं 120 दिन के बाद, तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हीम और एक तो ग्लोबिन। तो जो ये हीम पार्ट होता है, ये हीम पार्ट से क्या बनता है, ये हीम पार्ट से बिलिरुबिन बनना स्टार्ट होता है। तो 80-85% अगर हम केसेस देखेंगे तो उसमें रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बिलिरुबिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या फिर हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। दूसरा है बोन मैरो, यानी कि इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोयोसिस। कुछ इन इफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके वजह से भी हमें हीम मिलता है उनके कारण से, और उससे भी बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा हीम कंटेनिंग टिश्यू, तो कुछ टिश्यूज होते हैं मायोग्लोबिन, इसमें से भी हीम प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली 15-20% केसेस में जो मायोग्लोबिन है वहां से हीम प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से आगे बिलिरुबिन फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजों में से हीम जो कंपोनेंट है वो निकलता है। हीम निकलने के साथ साथ क्या होता है, तो हीम जब भी आता है तो ये कंबाइन होता है हीम ऑक्सीजनेज नाम के एंजाइम से। हीम ऑक्सीजनेज नाम के एंजाइम से कंबाइन होता है, और यहां पे O2 और NADPH ये दो चीज के मिलने की वजह से जो हीम होता है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हीम जो होता है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट किया जाता है हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम में, हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम से, और उसके साथ साथ सपोर्ट करता है ऑक्सीजन और NADPH। ये बिलिरुबिन जो बिलिवर्डिन जो फॉर्म होता है वो बिलिवर्डिन एक एंजाइम के साथ मिलता है जिसे हम कहते हैं बिलिवर्डिन रिडक्टेस, और वो कन्वर्ट करता है बिलिवर्डिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। किसमें कन्वर्ट करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, तो जब भी बिलिरुबिन जो होता है वो एल्ब्यूमिन से ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये सारा जो चीजें होती है ये होता है लीवर के बाहर। तो लीवर के बाहर यानी कि जो स्प्लीन है वहां पे ये सब चीज होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है वहां पे ये सब चीजें होती है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीवर में। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कहां पे, लीवर में। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहां आता है, लीवर में आता है। लीवर में आने के बाद ये डिसोसिएट होता है एक तो बिलिरुबिन में और एक तो एल्ब्यूमिन में। जो बिलिरुबिन होता है वो कंबाइन किया जाता है ग्लूकोरिनिल एस ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से, ग्लूकोरिनिल एस ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से बिलिरुबिन कंबाइन होता है और वो फॉर्म करता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। वो क्या फॉर्म करता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म करता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये क्या करता है, तो ये जो राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होते हैं वहां से नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ कहां तक आएगा, तो ये आता है डियोडिनम तक, जहां पे बिलियरी ट्रैक ज्वाइंट होता है। तो डियोडिनम में आने के बाद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या करता है, तो एक एंजाइम्स होते हैं कुछ बैक्टीरियल बॉवेल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं
उनके साथ कंबाइन होके वो क्या फॉर्म करता है, यूरोबिलिनोजेन या फिर स्टल्कोबिलिनोजेन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आके कुछ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के साथ कंबाइन होके यूरोबिलिनोजेन और स्टल्कोबिलिनोजेन फॉर्म करता है। यूरोबिलिनोजेन क्या करता है, तो ये किडनी के थ्रू यूरिन के तरफ से बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है, और स्टल्कोबिलिनोजेन क्या होता है, वो स्टूल से वो बाहर की तरफ निकाला जाता है। इसमें से कुछ अमाउंट में जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं वो फिर से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में रिवर्स हो जाते हैं बाय द एंजाइम ग्लूकोरिनेटेज। तो ग्लूकोरिनेटेज जो एंजाइम होता है उससे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वापस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होते हैं कुछ अमाउंट में, और वो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं, और वापस से ये साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बाइल बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, और वो बॉडी के बाहर यूरिन या स्टूल के थ्रू थ्रो किया जाता है। अगर वो थ्रो नहीं किया जाए या कम अमाउंट में थ्रो करता है बाहर, तो बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। तो जैसे कि हमने दोनों देखा, एक तो बिलिरुबिन भी देखा, एक तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी देखा, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी देखा। अभी इसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हम पढ़ते शॉर्ट में कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। तो एक तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सबसे पहला अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अगर हम सीरम लेवल देखेंगे तो सीरम लेवल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का ज्यादा होता है, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का सीरम लेवल कम होता है। वाटर सॉल्युबिलिटी अगर हम देखेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए ये यूरिन के थ्रू क्या होता है, बॉडी के बाहर निकाला जाता है। अल्कोहल सॉल्युबल, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अल्कोहल सॉल्युबल होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होता है। एल्बुमिन बाइंडिंग, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसमें एल्बुमिन बाइंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसके बाद अगर हम टेस्ट में डिफाइन करेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें देखने मिलेगा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में, और कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। रीनल एक्सक्रीशन अगर हम देखेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं होने के वजह से रीनल से एक्सक्रीट नहीं किया जाता, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होने के वजह से यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट किया जाता है। और एफिनिटी टू ब्रेन टिश्यू, ब्रेन में किस हद तक जा सकता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का एफिनिटी काफी ज्यादा होता है, तो अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ने लगता है तो वो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस हो गया अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लिवर सेल नेक्रोसिस। तो जब भी बिलिरुबिन का अमाउंट अगर बढ़ जाता है बॉडी में तो लिवर सेल्स में क्या क्या चीजें हमें देखने मिलती है, तो लिवर सेल का डेथ कैसे देखने मिलता है, कौन कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफ्यूज नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस तीन टाइप का होता है, एक तो डिफ्यूज नेक्रोसिस होता है, एक तो जोनल नेक्रोसिस होता है, और एक होता है फोकल नेक्रोसिस। तो सबसे पहला हम देखेंगे डिफ्यूज नेक्रोसिस के बारे में। तो जब भी बहुत मेजर पार्ट लीवर का डैमेज हो जाता है या ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स या टिश्यू का नेक्रोसिस होता है, सेल्स या टिश्यू डेथ होने लगते हैं, उसे हम कहेंगे डिफ्यूज नेक्रोसिस। तो काफी सारा लोब्यूल्स अगर इन्वॉल्व होगा तो हम उसे कहेंगे मैसिव सब मैसिव नेक्रोसिस या फिर डिफ्यूज नेक्रोसिस। मोस्ट प्रोबेबली ये वायरल हेपेटाइटिस में देखने मिलता है, हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स
जो कि वायरल ओरिजिन का हो, तो वायरल हेपेटाइटिस में हमें देखने मिलेगा और ड्रग के टॉक्सिसिटी के वजह से देखने मिलेगा। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन, पैरासिटामोल हम कहते हैं, अल्कोहल हो गया, आइसोनियाजिड हो गया जो कि हम टीबी में यूज करते हैं, ऐसे कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं उसके ज्यादा यूज के वजह से, ड्रग टॉक्सिसिटी के वजह से भी हमें मैसिव नेक्रोसिस देखने को या फिर डिफ्यूज नेक्रोसिस देखने को मिलता है। दूसरा है जोनल नेक्रोसिस, तो जोन के हिसाब से हमें नेक्रोसिस देखने मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि लीवर के लोब्यूल्स में 3 जोन्स होते हैं, Zone 1, Zone 2 और Zone 3। तो जोन के हिसाब से अगर नेक्रोसिस होगा तो कैसा होगा, तो सबसे पहला सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस, तो जो थर्ड जोन होता है उसमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाता ठीक से तो वहां के सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस हमें शॉक के पेशेंट में या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में काफी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ये जो सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस होता है, सेंट्री लोब्यूलर जो जोन होता है वो ट्राइड से काफी दूर होता है, तो कभी भी अगर पेशेंट शॉक में है या फिर हार्ट फेलियर में है तो इतना दूर तक ब्लड सप्लाई नहीं जाने की वजह से भी सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। दूसरा है मिड जोनल नेक्रोसिस, तो मिड जोनल नेक्रोसिस मोस्टली कॉमन नहीं है, कॉमनली नहीं देखने मिलता है हमें, और मोस्टली हमें येलो फीवर या फिर वायरल हेपेटाइटिस में हमें देखने को मिलता है। तीसरा है पेरिपोर्टल नेक्रोसिस, यानी कि जोन वन आउटर साइड का नेक्रोसिस कब देखने मिलेगा, तो ये कभी भी आर्टेरियल और पोर्टल ब्लड सप्लाई के पास होता है, तो ये काफी ज्यादा परफ्यूज्ड होता है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई का कभी भी कमी देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में जैसे फॉस्फरस पॉइजनिंग या फिर एक्लेम्सिया जो होता है, ये कंडीशन में हमें जोन वन में भी या फिर हम कह सकते हैं पेरिपोर्टल जोन में नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तीसरा जो नेक्रोसिस होता है लीवर सेल का, उसे हम कहते हैं फोकल नेक्रोसिस, यानी कि जगह जगह पे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये लीवर है तो लीवर में कुछ कुछ जगह पे हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं फोकल नेक्रोसिस। तो फोकल नेक्रोसिस क्या होता है, तो इट इज द नेक्रोसिस ऑफ हिपेटोसाइट्स इज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हिपेटिक लोब्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबली हमें वायरल हेपेटाइटिस, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड फीवर ये सब में देखने मिलता है, या फिर बैक्टीरियल वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में भी देखने मिलता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस में भी फोकल नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एसिटामिनोफेन हुआ, आइसोनियाजिड हुआ, मिथाइल डोपा हुआ, केटाकोनाजोल हुआ, ये सब चीजें जो होती है, ये सब ड्रग्स होते हैं उसके वजह से भी हेपेटाइटिस हमें देखने मिलता है, यानी कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस देखने मिलता है। अब हम देखेंगे कि कॉजेस क्या है जॉन्डिस होने का। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस या फिर बिलीरुबिन का लेवल कब बढ़ेगा, तो सबसे पहला वो बढ़ेगा बिलीरुबिन प्रोडक्शन, इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन, यानी कि जो हेम होगा, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उसके वजह से हेम प्रोड्यूस होगा और उसके वजह से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरा है डिक्रीज्ड हिपेटिक अपटेक, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो लीवर में नहीं जा पाना, हिपेटिक या फिर लीवर में नहीं जाने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा जिससे हम जॉन्डिस कहेंगे। तीसरा है डिक्रीज हिपेटिक कॉन्जुगेशन, जो लीवर में है बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन चले तो जाएगा लेकिन वहां पे कुछ एंजाइम्स नहीं होंगे जिसके वजह से कन्वर्जन होता है या फिर कॉन्जुगेशन होता है बिलीरुबिन का। और चौथा है डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ दी बिलीरुबिन इन बाइल, यानी कि बाइल का फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी हाइपर बिलीरुबिनेमिया देखने मिलता है। इसमें से जो फर्स्ट थ्री होते हैं, इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन, डिक्रीज हिपेटिक अपटेक और डिक्रीज हिपेटिक कॉन्जुगेशन से हमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया देखने मिलता है, और जो डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइल की वजह से या फिर बिलीरुबिन की वजह से हमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके कॉज, इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन, डिक्रीज हिपेटिक अपटेक,
डिक्रीज हिपेटिक कॉन्जुगेशन और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इन बाइल। क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे जॉन्डिस का तो कैसा है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आएगा प्री हिपेटिक, जो लीवर के बाहर, हिपेटिक यानी कि लीवर में, और पोस्ट हिपेटिक कोलिस्टेसिस यानी कि लीवर से बिलिरुबिन निकलने के बाद अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो बिलियरी ट्रैक में कहीं पे अटका हो तो उसे हम कहेंगे पोस्ट हिपेटिक कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल। एक सिंपल टेस्ट है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो बिलिरुबिन है या फिर जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया हुआ है वो कॉन्जुगेटेड है या अनकॉन्जुगेटेड है। तो जैसे कि हमने देखा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो यूरिन में पास किया जाता है या फिर वाटर सॉल्युबल होता है। तो कभी भी अगर हम टेस्ट करें, अगर किसी पेशेंट का बिलिरुबिन काफी ज्यादा हाई है और अगर हम उसका यूरिन टेस्ट करते हैं और अगर यूरिन में बिलिरुबिन आता है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि पेशेंट को कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया हुआ है, और अगर बिलिरुबिन एब्सेंट होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि पेशेंट को अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया हुआ है। तो एक सिंपल टेस्ट है जिससे पता चलता है कि पेशेंट को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। सबसे पहला हम अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में देखेंगे। तो इसमें तीन चीजें आती है, तो इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, डिक्रीज हिपेटिक अपटेक और डिक्रीज हिपेटिक कॉन्जुगेशन। अगर हेमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ, जैसे कि हेमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन काफी फास्ट हो रहा है, उसके वजह से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा होता है डिक्रीज हिपेटिक अपटेक, यानी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका डिसोसिएशन नहीं होना ठीक से और बाइंडिंग इज डीरेंज, मतलब वो एल्ब्यूमिन के साथ जो बाइंड होता है वो बाइंडिंग या फिर उसका डिसोसिएशन ठीक से नहीं हो पाता, तो उसके वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पड़ता है। और तीसरा है डिक्रीज हिपेटिक कॉन्जुगेशन, मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिसोसिएट होके लीवर में आ गया लेकिन वहां पे कुछ एंजाइम है, जैसे हम कहते हैं ग्लूकोलिनेसेल एस ट्रांसफरेज, वो एंजाइम जो है वो नहीं होने के वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होता है। इसमें अगर हम लैब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें ज्यादा देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। दूसरा ट्रांस अमाइनेस एसजीओटी एसजीपीटी नाम के एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांस अमाइनेस, जो कि नॉर्मल रहेंगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेस एक टाइप का प्रोटीन होता है, ये भी नॉर्मल होगा। नॉर्मल प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन होते हैं, वो भी नॉर्मल होंगे। यूरिन में बिलिरुबिन एब्सेंट होगा क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन के थ्रू पास नहीं होता, तो यूरिन में बिलिरुबिन एब्सेंट होगा। और उसके साथ साथ हमें डार्क ब्राउन कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। तो अगर हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो हमें बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा देखने मिलेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। यूरिन में बाइल नहीं देखने मिलेगा और जो स्टूल होगा वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। अगर हम कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में देखेंगे तो उसे हम कहते हैं कोलिस्टेसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल। जो बाइल है जो बिलिरुबिन को कैरी करता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी हमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं कोलिस्टेसिस। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो इंट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस जो कि हेरिडेटरी या एक्वायर्ड होता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस। तो इंट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस मतलब हिपेटिक लीवर के अंदर ही कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से अगर जो बाइल है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, जिसका ओरिजिन होता है इंट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस, यानी कि लीवर के बाहर गॉल ब्लैडर में या पैंक्रियास की वजह से या बिलियरी ट्रैक की वजह से अगर बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो मोस्टली इंट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस हेरिडेटरी होता है या फिर एक्वायर्ड होता है, जिसमें
एक्सक्रीशन जो होता है बाइल का वो स्टॉप हो जाता है, आगे की तरफ बाइल नहीं फ्लो हो पाता। इसमें अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ बाइल के कंपोनेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं बाइल एसिड, जो कि क्या करता है, बाइल के साथ काम करता है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इनका भी जो लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। तो बाइल एसिड कौन से है, एक तो होते हैं कॉलिक एसिड और एक तो होते हैं सीनोडियोक्सीकॉलिक एसिड। एक तो कॉलिक एसिड, एक तो सीनोडियोक्सीकॉलिक एसिड होता है। इनका काम क्या होता है, तो ये बाइल के साथ मिलके फैट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, तो इनका लेवल भी कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया में इंक्रीज हो जाता है। तीसरा होता है इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कुछ प्रोटीन्स होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। इंक्रीज लिपिड, लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं होने की वजह से लिपिड बढ़ने लगता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कम देखने को हमें मिलता है, जिसके वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है वो डीरेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ प्लूराइटिस देखने मिलता है, यानी कि बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ने के वजह से, बाइल बढ़ने के वजह से, या कह सकते हैं एसिड बढ़ने के वजह से इचिंग या प्लूराइटिस हमें देखने को मिलता है। लीवर बायोप्सी में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला चीज हमें देखने मिलेगा वो है माइल्ड डिग्री ऑफ कोलिस्टेसिस, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा डायलेटेड बिलियरी कैनालिक्यूला, यानी कि अगर ये बाइल डक्ट है जो बाइल को लेके जा रहा है वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से उसके पिछला पार्ट होगा वहां पे क्या होने लगेगा, डायलेटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि उसके पीछे का जो ट्यूब है वो हमें डायलेटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइल जो है वो आके एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो डायलेटेड बिलियरी कैनालिक्यूला, उसके साथ साथ ग्रीन ब्राउन बाइल प्लग, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है वो ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का हमें प्लग देखने मिलेगा जो यहाँ पे जमा हो रहा है। तो लिवर बायोप्सी में हमें क्या देखने मिलेगा, तो दो बेसिक चीज होता है, एक तो डायलेटेड बिलियरी कैनालिक्यूला, दूसरा ग्रीन ब्राउन बाइल प्लग। और तीसरा चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने मिलता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म शो फेदरी डी जनरेशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये फेदर की तरफ है डी जनरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का डी जनरेशन हमें प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं फेदरी डी जनरेशन। एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाइल डक्ट का। तो जो बाइल डक्ट होता है जो कि लीवर से डियोडिनम तक आता है, उसके रास्ते में कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से हमें एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो सबसे पहला होता है गॉल स्टोन। जैसे कि हमने देखा गॉल ब्लैडर जो होते हैं यहाँ पे बाइल को स्टोर किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होता है और वो बाहर की तरफ आके अगर हम कह सकते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट में आके उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके वजह से आगे की तरफ बाइल फ्लो नहीं हो पाता, तो उसके वजह से भी हमें एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस देखने मिलता है। यानी कि सबसे पहला है गॉल स्टोन, दूसरा इंफ्लामेटरी स्ट्रिक्चर यानी कि नैरोइंग हो जाता है बिलियरी ट्रैक का इन्फ्लामेशन की वजह से। तीसरा होता है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो है जो हेड है पैंक्रियास का, इसमें किसी तरह का कार्सिनोमा होने की वजह से, ग्रोथ होने की वजह से वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है डियोडिनम पे, या फिर जो पार्ट होता है जहां पे बिलियरी ट्रैक डियोडिनम से अटैच होता है, तो उस पे प्रेशर क्रिएट करने की वजह से बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, तो कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास। उसके बाद ट्यूमर ऑफ दी बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर अगर हो जाए तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस यानी कि नैरोइंग जो होता है बाइल डक्ट का। अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो सेम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने मिलेगा,
उसके साथ साथ बाइल एसिड बढ़े हुए देखने मिलेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, लिपिड बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। यूरिन में अगर हम देखेंगे तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने मिलेंगे, और स्टूल का कलर कैसा होगा, क्ले कलर जैसा होगा, मिट्टी के कलर जैसा स्टूल देखने को मिलेगा। लीवर बायोप्सी अगर हम देखते हैं तो लीवर बायोप्सी में हमें क्या देखने मिलेगा, तो डायलेटेड बाइल डक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये बाइल डक्ट है, इसमें अगर एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो यहाँ पे बाइल जो है आपके एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ का डायलेटेशन होने लगेगा या फिर फूगने लगेगा बाइल डक्ट। दूसरा, रप्चर ऑफ कैनेलिक्यूला प्रोड्यूसिंग बाइल ले, अगर ज्यादा बिलीरुबिन आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है तो उसके वजह से ये जो डक्ट है वो रप्चर भी हो सकता है, और जो बिलीरुबिन है या फिर जो बाइल है वो क्या होगा, आजू बाजू में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसे हम कहते हैं बाइल ले। तो बाइल लेक जैसे कि मैंने इसमें बताया है, तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसे हम कहते हैं बाइल लेक। रप्चर ऑफ कैनेलिक्यूला, रप्चर होने के वजह से बाइल डक्ट के आजू बाजू में जो क्या होता है, बाइल एक्यूमुलेट होता है, जिसे हम कहते हैं बाइल लेक। उसके साथ साथ हमें फोकल नेक्रोसिस देखने मिलता है, हिपेटोसाइट्स अराउंड दी बाइल लेक। तो बाइल लेक जो होता है, बाइल जो होता है वो एसिडिक होता है, तो वो क्या करता है, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, तो उसकी वजह से फोकल नेक्रोसिस हमें देखने मिलते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से पीछे के साइड पे हमें क्या, इन्फेक्शन देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, डक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजों से हम अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि जो जॉन्डिस है या फिर बिलीरुबिन जो बड़ा है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बड़ा है, या फिर बिलीरुबिन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बड़ा है, कैसे बढ़ा है, ये सब हम इस इतने इंफॉर्मेशन से हम जान सकते हैं। तो ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये टॉपिक ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है।